हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आज आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है। और इसमें जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसको कल इसका फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ाए थे इथिक्स में, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी। ये कि टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है आवाज़ कहीं कहीं कट रही थी, तो दोबारा ध्यान रखा जाएगा। टेक्निकल टीम को मैंने निर्देश दिया है कि ये ध्यान दें आप कि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम खुद क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम फोर्थ में सेकेंड मतलब फोर्थ पेपर की जीएस फोर्थ पेपर में देखने चल रहे हैं। इसका आज पहला क्वेश्चन है, सरकारी व निजी क्षेत्र की दुविधाओं, नैतिक दुविधाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न है, सरकारी व निजी क्षेत्र की नैतिक दुविधाओं की विवेचना कीजिए। आखिर सरकार व सरकारी व निजी क्षेत्र की नैतिक दुविधाओं की जो विवेचना है, उसमें डिफरेंट क्या है? सरकारी क्षेत्र में क्या नैतिकता होती है और वह प्राइवेट सेक्टर में क्या नैतिकता होती है, इसी की व्याख्या यहाँ पर करना है। तो प्रश्न विचार एक नया प्रोग्राम हमने ले आया है कि आप जब आंसर राइटिंग का प्रश्न लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी दुविधा आपके सामने ये आती है कि क्या आप प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करें, आखिर यही प्रश्न लिखना उचित है या ये लिखना उचित नहीं है, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें जो प्रश्न विचार है, प्रश्न विचार ये कह रहा है कि सामान्यतः जीवन में विविध प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं। द्वंद्व माने होता है संघर्ष। जीवन में विविध प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष चलते रहते हैं। इस प्रकार के द्वंद्व में व्यक्ति के समक्ष नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों के साथ अपना व्यक्तिगत हित भी टकराता है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में जहाँ कार्य व अधिकार होते हैं, वहाँ बहुत द्वंद्व होते हैं। जैसे बहुत से कार्य मंत्रियों के या सामान्य जनता के होते हैं, उनमें किन सिद्धांतों का पालन किया जाए, क्योंकि कानून विनिमय के साथ उच्च मानवीय मूल्य सरकारी सेवा हेतु अपेक्षित होते हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र में भी द्वंद्व होते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप सरकारी सेवक होते हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नैतिक द्वंद्व आपके मन में चलता है कि आप मंत्रियों के दबाव कुछ होते हैं कि वो आपसे अपने मनमर्जी काम कराना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आम जनता के हित को आपको देखना पड़ता है, उन समस्त हितों को देखते देखते किस प्रकार के निर्णय लेंगे, इसी को दुविधा कहा गया है। तो इसकी व्याख्या हम उत्तर में देखेंगे। तो ये कह क्या रहा है कि दुविधा उस स्थिति को कहा जाता है, दुविधा उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हैं हों, वे विकल्प पूर्णतया भिन्न हों तथा उन्हें एक साथ न चुना जा सकता हो। इन विकल्पों में किसी एक विकल्प को चुना जाना अनिवार्य होता है। इसे सरकारी व निजी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आप देखते होंगे आपके पास कितने विकल्प होते हैं, चार विकल्प होते हैं, और चारों विकल्प में ऐसा नहीं होता कि सभी विकल्प एक साथ चुने जाएं। इसमें से चार विकल्पों में से एक विकल्प चुना जाता है। तो आप जान लीजिए, जैसे ए बी सी और डी चार विकल्प हैं, तो ये आपके लिए क्या है, दुविधा है। और इससे चुनना केवल एक को है, या बी सही होगा, ए सही होगा, डी सही होगा, सी सही होगा, ऐसे विकल्प आपके सामने आते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है, क्या है, दुविधा है। और इन दुविधाओं के कारण ही व्यक्ति जो है अपनी कार्यशैली से क्या होता है, भटक जाता है। तो इस बात का यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे देखिए, जो इसमें सरकारी क्षेत्र में क्या क्या दुविधाएं होती हैं। प्रथम दुविधा सरकारी क्षेत्र में होती है, रिश्वत लें या न लें। पहली सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर आती है सरकारी क्षेत्र में, कि हम रिश्वत लें या न लें। तो
प्रथम दुविधा क्या होती है, रिश्वत ले या न ले, दोनों में द्वंद होता है। क्योंकि अगर आप कभी भी ऐसा हो जाता है कि रिश्वत नहीं लेते हैं तो मंत्री या किसी आम जनता को ये लगता है साहब मेरा काम नहीं करेंगे, वो आपकी ईमानदारी पर प्रश्न तो लगाता ही लगाता है, साथ ही ये लगाता है कि साहब मेरा काम नहीं करें। और कभी अगर आप घूस ले लेते हैं तो व्यक्ति ये समझने लगता है साहब तो रिश्वत खो रहे हैं, जो इन्हें रिश्वत देगा वो तब काम करेंगे और रिश्वत नहीं देगा तो काम नहीं करेंगे। इसके बाद होता है व्यक्तिगत, यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उसकी शिकायत करूं या ना करूं। एक दुविधा ये भी होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सीनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्यों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ऐसे में हम उनकी गतिविधियों के लिए ऊपर शिकायत करें या ना करें, इस तरह की समस्या बनी रहती है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत कार्य हेतु बाहर जाने के लिए छुट्टी लें या न लें। एक दुविधा यह बनी रहती है कि जब हमारा कोई जैसे फैमिली की तबीयत खराब है या मुझे किसी रिश्तेदार की सहायता के लिए कहीं जाना है, किसी शहर में हमें घूमने भी जाना है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेता है तो एक दुविधा यह बन जाती है वो छुट्टी ले या न ले। इसके बाद विभाग के मंत्री या अन्य राजनेताओं से संपर्क करें या न करें, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। कि जैसे मान लीजिए कि आज बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री साहब ने संपर्क किया, कल कांग्रेस की सरकार होगी, अगर आप वहां पर संपर्क नहीं करेंगे तो आपकी क्या होगी, दुविधा होने लगेगी। इस तरह की समस्त चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद भ्रष्ट कर्मचारी को निलंबित करें या न करें, उसकी स्थिति परिस्थितियों को देख कर छोड़ दें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाती है। जब आप कभी भी कोई कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती रहती है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी है या नहीं है उसे आप निलंबित करना चाहते हैं तो कर्मचारी के गुण और दोष और उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हैं, इन समस्त चीजों को देख करके आप ये काम करते हैं। अगला है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या समस्या आती है, निजी क्षेत्र में इस प्रकार के निजी संस्थाओं में मालिक व कर्मचारी दोनों में दुविधाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे नियोक्ता की दुविधा क्या होती है, मालिक की दुविधा ये होती है, नियोक्ता मीन्स मालिक, मालिक की दुविधा ये होती है कि वह कर्मचारियों को ओवर टाइम की सुविधा दे या नहीं, यदि नहीं देता है तो भी कर्मचारी बेकार और असुरक्षा के कारण मांग नहीं करेंगे। दूसरा, कंपनी का लाभ अधिकतम करें या इस पक्ष में सीमित रखते हुए सामाजिक दायित्व पर बल दें, कर्मचारियों व व्यापक सामाजिक हितों में किसे प्राथमिकता दें, अगर दो कर्मचारियों में एक अधिक नैतिक व कर्मठ है और दूसरा कम नैतिक व अधिक कर्मठ है तो इस किसका चयन किया जाए, कर्मचारियों को चुनते समय सिर्फ योग्यता का ध्यान दें या अन्य पक्षों का भी ध्यान दें, ये भी बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। अगली दुविधा है आपकी कर्मचारियों की दुविधा। कर्मचारी जब आप कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा यह आती है कि स्वहित बनाम कंपनी हित। स्वहित का मतलब होता है व्यक्तिगत, स्वहित का मतलब होता है स्वहित अर्थात व्यक्तिगत बनाम कंपनी का हित, अपना लाभ प्लस कंपनी, इन दोनों का लाभ आप देखते हैं, अपना लाभ प्लस कंपनी दोनों का लाभ देखते हैं, यह भी परिस्थिति आपके लिए क्या करती है, अनुकूल स्थिति पैदा करती है, प्रतिकूल स्थिति पैदा करती है। कि आप अपना हित देखते हैं तो कंपनी का नुकसान होता है और कंपनी का हित देखते हैं तो अपना नुकसान होता है, यह परिस्थिति बनी रहती है। अच्छा काम बनाम उच्च कर्मचारियों से अच्छे संबंध। अगर एक चपरासी है वो अपने नियम पर रखा है कि जो समय से आया उसे प्रेम से बात किया, जो लेट में आया उसे अलग ढंग से बात कर रहा है, इस तरह की अगर गतिविधियां करता है तो कर्मचारी के प्रति ऊपर के अधिकारी जो है रुष्ट होने लगते हैं कि मेरे लिए दो शब्द ये झूठ नहीं बोल रहा है, कंपनी के प्रति क्या है ज्यादा हितकारी बना है, तो ये एक दुविधा वहां पर बन जाती है। दूसरा अगला है, यदि कोई अन्य कंपनी आर्थिक लालच दे परंतु
जिसमें कार्यरत है उसके अस्तित्व के लिए कर्मचारी का रहना आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, ए आपके यहाँ कर्मचारी हो काम कर रहा है और आपकी यहाँ पर सैलरी उसकी 10,000 है, लेकिन दूसरी कंपनी उसे 25,000 रुपये पेमेंट देती है और वो कर्मचारी वहाँ जाना चाहता, लेकिन अगर वो यहाँ से जाता है तो कंपनी के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि क्या कंपनी के दरवाजे कल टाइम से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कल अधिकारी के कर्मचारी की नियुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यह कार्यशैली भी उसको प्रभावित करेगा। ये सब चीजों में भी दुविधा होती है। अगली दुविधा है आपकी, अगली जो दुविधा है वह क्या है आपकी, सरकारी रिश्वत लें या न लें। सरकारी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या क्या बन जाती है, रिश्वत लें या न लें। दूसरा है, सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि आप अधिकारी हैं, रिश्वत लें या न लें यह ध्यान दिया जाता है। फिर सरकारी संपत्ति का व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग करें या न करें। जैसे मान लीजिए कि डीएम होता है, डीएम महोदय क्या करते हैं, डीएम जो होता है यह क्या करता है, सरकारी गाड़ी होती है और सरकारी गाड़ी को अपनी पत्नी को जो है घूमने के मायके भेज देता है। कभी कभी क्या होता है कि अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगा देते हैं या उनकी लगा देते हैं। ये सब जो है दुविधा का कार्य है। व्यक्तिगत कार्य हेतु छुट्टी ले या ना ले, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, व्यक्तिगत कार्य के लिए वो छुट्टी ले या नहीं, मंत्री से संबंध बनाए या नहीं, ये दुविधा बन जाती है। ग्राफ में इसको आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ग्राफ ये बना हुआ है निजी बनाम जो है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में दिया है। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी बात होती है रिश्वत ले या न ले, सरकारी क्षेत्र में रिश्वत ले या न ले, सरकारी संपत्ति का व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग करें या न करें, व्यक्तिगत कार्य है छुट्टी ले या न ले, मंत्री से संबंध बनाए या न बनाए, दुविधा ये बनी रहती है। जबकि निजी क्षेत्र में दुविधा दो प्रकार की बनती है। एक दुविधा बनती है ओवर टाइम की सुविधा दे या नहीं। अगर आप कंपनी के सुपरवाइजर हैं या एमडी हैं तो आपके सामने एक सुविधा बन जाती है, मतलब दुविधा बनती है कि मैं अपने कर्मचारी को क्या ओवर टाइम मतलब अतिरिक्त कार्यभार दें या ना दें, कंपनी का लाभ देखें या सीएसआर कंपनी व व्यापक सामाजिक हितों में किसे प्राथमिकता दें, कंपनी को दें या व्यापक सामाजिक हितों में जो है प्राथमिकता दें। जैसे कंपनी का गंदा पानी किसी नाले में गिर रहा है तो कंपनी का ये दायित्व तो कर्मचारी के सामने एक ही आती है कि जल प्रदूषण को रोकें या न रोकें, क्योंकि नीचे जो मलिन बस्ती है या मजदूर वर्ग वहाँ पर स्नान करता है और स्नान करने के बाद अपने को वो साफ सुथरा उनके पीने योग्य पानी वही है जिसमें फैक्ट्री का पानी जाकर गंदगी फैला रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कर्मचारी के सामने आता है कि स्वहित बनाम कंपनी के हित। कर्मचारी के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि वह जो है स्वहित स्वहित पर ध्यान दे या कंपनी के हित पर ध्यान दे। अच्छा काम बनाम उच्च कर्मचारियों के अच्छे संबंध, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उच्च कर्मचारियों के संबंध बन सकते हैं, लेकिन कुछ उच्च कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो उसके अच्छे कार्यों से प्रभावित नहीं होंगे। इन समस्त चीजों की दुविधाएं निजी और सरकारी क्षेत्र में बनी रहती थी। इस क्वेश्चन को जब आप लिख रहे हैं प्रश्न को तो इन समस्त पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है, इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखना है। पहला ये कि इसको लिखते समय पहले आप ध्यान देंगे, प्रश्न को विधिवत 2-3 बार पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसमें प्रश्न विचार देखेंगे, प्रश्न विचार क्या है, सामान्य जीवन में विभिन्न प्रकार के द्वंद चलते रहते हैं, इस प्रकार के द्वंद में व्यक्तिगत व्यक्ति के समक्ष सामने नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के साथ अपना व्यक्तिगत हित ठहराता है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में जहां कार्य और अधिकार होते हैं वहां बहुत द्वंद होते हैं, जैसे बहुत से कार्य मंत्रियों के या सामान्य जनता के हित के होते हैं, उनमें किन सिद्धांतों का पालन किया जाए, क्योंकि कानून विनिमय के साथ उच्च मानवीय मूल्य सरकारी सेवा हेत अपेक्षित होते हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र में भी द्वंद्व होते रहते हैं। उत्तर देखिए इसका, मैंने बताया था इसका, दुविधा उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प और वे विकल्प पूर्णतया भिन्न हो तथा उन्हें एक साथ न चुना जा सकता हो।
इन विकल्पों में किसी एक विकल्प को चुना जाना अनिवार्य हो। इससे सरकारी व निजी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में देखें, प्रथम दुविधा रिश्वत लें या न लें। दूसरी दुविधा यह है कि कार्यालयी संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग हो या न हो, नहीं करें। और इसके बाद यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी शिकायत ऊपर करें या न करें। इस प्रकार की दुविधाएं बनी रहती हैं। तो सरकारी और निजी क्षेत्र में दोनों जगहों पर दुविधा बनी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता आपको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम आपको अगला प्रश्न जो हमारा है वह अंतरात्मा की अवधारणा को स्पष्ट की, कल जो है दूसरा प्रश्न बताएंगे अंतरात्मा की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अंतरात्मा की अवधारणा की चर्चा हम करेंगे, ठीक है, कि अंतरात्मा की अवधारणा क्या है, उसके स्वरूप क्या है और उसका किस तरह से प्रयोग करना है। तो कल आप जो है हमारे इसी आपको सेम टाइम पर जो 11 बजे हमारी टाइमिंग है यूट्यूब चैनल पर, उतने बजे ही आप आ कर के पुनः जो है लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमेंट करके अपनी समस्याओं को जरूर उजागर किया करिए, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम चलाया गया है समस्या से समाधान जो कार्यक्रम हमारा है वह इसी बात के लिए बनाया गया है कि आपकी समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। ठीक है, जय हिंद।